सो वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज के एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले डोंट ट्राई दिस एट होम। ये एक्सपेरिमेंट बच्चे तो बिल्कुल ना करें, और अगर बड़े भी करते हैं तो बी केयरफुल। पर्सनल प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट लाजमी यूज़ करें, जैसे कि मैं ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ, मैंने फेस मास्क लगाया हुआ है। तो आज के एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है 98%, हमारे पास दो मरिंग सिलेंडर हैं और एक सिंपल सिलेंडर जिसमें हम ये सोल्यूशन बनाने लगे, और हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है 35%। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के को नहीं डायरेक्ट डालना, हमने सल्फ्यूरिक एसिड 100 ml लेना है। ऑलमोस्ट 100 ml से ज़्यादा है। इसे स्पीकर में पोर करना, बी केयरफुल, बीकर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए आपका। और लेने सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड कर दिया, इन्हें हम थोड़ा पीछे कर देते हैं। अभी इसके अंदर हमने ऐड करना है तकरीबन 60-70 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम डायरेक्टली इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे, हम ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे, साथ में स्प्रे करते जाएंगे ताकि फ्यूज ना बने। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसलिए हमें ये बड़ा ही स्लोली और ध्यान से करना पड़ेगा ताकि कोई किसी का नुकसान ना हो। सो इसे अगर एकदम से हम अंदर ऐड कर देंगे तो ये नुकसान भी हो सकता है, सो हम इसे ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे बिल्कुल स्लोली स्लोली हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो सोल्यूशन हम बना रहे हैं इसे कहते हैं पिराना सोल्यूशन। पिराना एक मछली है, एक फिश है, जिसे लोग ये भी कंसीडर करते हैं कि वो ऐसी मछली है जो हर चीज़ को खा जाती है, ख़ासकर इंसान को, मीट को, गोश्त को बहुत जल्दी खा जाती है। इसी तरह ये सोल्यूशन है जो तकरीबन अपने अंदर डिजॉल्व हुई हर चीज़ को खा जाता है, जैसे कि मेटल, लेकिन वो टाइम लेते हैं। हमारे पास प्लास्टिक की बोतल्स हैं, वो इसमें डिजॉल्व की जा सकती हैं। पॉलीथाइलीन, वो इसमें डिजॉल्व की जा सकती है। इसके साथ साथ पॉलीस्टाइरीन या थर्मोकोल, वो इसमें डिजॉल्व किया जा सकता है। फैब्रिक कॉटन, इसमें डिजॉल्व की जा सकती है। और साथ ही साथ इसके अंदर आप फेस मास्क भी डिजॉल्व कर सकते हैं जी। तो वो आप ये बड़े पैमाने पर बना के आप फेस मास्क इसके अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं ताकि ये इसे ख़त्म कर दे। आप देख सकते हैं ये रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों ऑक्सीजन उसमें से रिलीज हो रही है और पिराना सॉल्यूशन बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये हमारा सोल्यूशन तकरीबन तैयार हो चुका है, हम इसे अभी बाहर ले जाते हैं क्योंकि इसके फ्यूम जो नहीं था हमें। सो हम सोल्यूशन को बाहर ले हैं पब्लिक प्लेस में, पब्लिक प्लेस में कहा जा सकता है इसे, लेकिन ओपन प्लेस में, क्योंकि फ्यूम इसके बन रहे हैं और ये बड़ा ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीटअप हुआ हुआ है हमारा बीकर। तो आज जो चीज़ें हम इसमें डिजोल्व करने वाले हैं, सबसे एंड पे हम करेंगे प्लास्टिक की बोतल को। इसके साथ हमारे पास कुछ पेपर पड़े हुए हैं, थर्मोकोल हमारे पास पड़ा हुआ है, थर्मोकोल का एक ब्लॉक है, हमारे पास फैब्रिक या जीन्स का एक पीस है, उसके साथ हमारे पास एक शॉपर है, प्लास्टिक बैग, और हम इसके साथ एक फेस मास्क भी इसमें डिजॉल्व करके दिखाएंगे कि कितना ख़तरनाक सॉल्यूशन है जो हर चीज़ अपने अंदर डिजॉल्व कर लेते। तो हम स्टार्ट करते हैं पेपर को इसमें ऐड करने से। Life inside a car, hit the button, drive real far.
पेपर इसमें ऐड होते ही बिल्कुल उसका रिएक्शन होना शुरू हो गया और वो ख़त्म हो चुका है। अगर हम इसे मज़ीद क्लियर करते हैं, ये जो हमारा सोल्यूशन था टोटल ब्लैक हो चुका है और उसने पेपर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया अंदर। अगर अब हम इसके अंदर शॉपर को ऐड करते हैं। तो देखते ही देखते ये इस शॉपर को भी खाना शुरू कर देगा। ये हमारे शॉपर की हालत होगी।